देख सकते हैं कि इस समय मैं खड़ा हूं एशिया के सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर सब्जी मंडी में, और यहां पर काफी सारे ब्याज के बोरे पड़े हुए हैं जहां से माल थोक के भाव दूसरी जगहों पे सप्लाई किया जाता है। इस समय हम यहाँ पे आए हैं ये जानने कि आम बजट का आम आदमी पे कितना असर हुआ है, मतलब आम आदमी का सीधा सा मतलब है कि सब्जी मंडी से कितना असर हुआ है, और हम अपने इस सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आम बजट का असर है या फिर बारिश का असर है। आइए कुछ लोगों के जानते हैं उसकी राय कि क्या आम बजट का उस पर। सर आपका टमाटर का कारोबार है, टमाटर के मार्केट में ये बारिश होने के बाद से आम बजट आने के बाद से क्या बढ़ोतरी हुई है या मार्केट रेट घटा है? ऐसा है ना, टमाटर अभी बारिश हुई है, कुछ टमाटर दागी हो गया है, किसानों को तो भेजना है टमाटर जब दागी हो, तो इस चक्कर में बाजार डाउन हुआ है, उठा नहीं थोड़ा। बारिश का कितना असर हुआ है टमाटर पे? बारिश की वजह से लोकल जो टमाटर आसपास का हरियाणा वगैरह दिल्ली उल्ली का सारा खत्म हो गया, इस टाइम जो भी टमाटर आ रहा है सारा बाहर से आ रहा है, कोई एमपी से आ गया है, कोई बिहार से आ रहा है, किसी गुजरात से आ रहा है, मतलब आसपास का लोकल टमाटर इस टाइम कुछ भी नहीं है। अगर आप एक किसान के नजरिए से देखें तो किसान के नजरिए से इस आम बजट से और इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है या फिर घाटा हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है, कुछ खासकर तो इस चक्कर में है जो लोग जमीनें वगैरह बेच दी है लोगों ने, अब किसी की पड़ी है चारों तरफ से फसल वगैरह, अब तो लोकल खत्म ही हो गया है। और ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े इसके कारण ट्रांसपोर्ट रेट में किराया बढ़ गया है, पहले किराया जिसका 100 रुपए था अब 120-130 रुपए हो गया है, हर आदमी इस टाइम सारा माल जो है खरीद कर ही आ रहा है ट्रक किसानों का, हर आदमी जो भी आरती वगैरह है वो अपना किराया लगा के हिसाब से लगा के माल बेचते हैं। जो ये बारिश का और आम बजट का असर है वो मार्केट पे अभी दिखना, सभी मार्केट पे दिखना चालू हो गया है या कुछ दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे? इसके लक्षण 10 दिन बाद बहुत फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि इस टाइम कई गाड़ी रेगुलर लगी पड़ी है, जो किराए पे चल रही है तो सब चल रही है, अब ट्रांसपोर्ट वाले ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया, अभी तरह हमारा किराया बढ़ाया तो गाड़ी आगे भेजेंगे, वो तो मना कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो इस आम बजट और बारिश के बाद आप कह सकते हैं कि आम आदमी की जेब कटनी तय है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसानों की और आपकी जो सब्जी का जो कारोबार है, आपको सरकार से कितनी आशाएं हैं कि सरकार हमारे दिशा में काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है? उससे तो क्या उम्मीद लगाए, मैं तो कह रहा हूँ आगे पेट्रोल डीजल ना बढ़ा दें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट रेट किराया बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और घर के आपको पता है जिस हिसाब से गैस वगैरह महंगी होगी उधर से लेबर भी महंगी हो जाएगी, लेबर भी कहेगी अभी सस्ते में काम नहीं करेगी, लेबर भी इतना बढ़ाएगी, उधर से लेबर महंगी होगी, किराया बढ़ेगा, सब आम आदमी को असर।